हाँ भाई लारे मियाँ, तुम्हें तो मैं पर्सनली थोड़ा थोड़ा जान गया हूँ, कैसे हो और अपनी वालदा के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? सर वालदा माँ के लिए तो 1000 पेजों की किताब भी लिखें तो वो भी कम है। तुम्हारी तो मैं मान सकता हूँ ये बात। और सर बहुत स्ट्रगल है मेरी अम्मी की टिल डेट, और मैं एक ही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं मेरे लिए कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली, और उनकी वजह से ही अल्लाह के बाद मैं कहीं स्टैंड करता हूँ, तो वो मेरी वालदा का हैं। शुरू में छोटे थे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड था, जब हम लोग फिर ऑल द वे 5-5, 8-8 किलोमीटर मम्मा हाथ पकड़ के जो है ना वो रेंट के घर में लेके जाती थी कि पैदल चलेंगे या तो खाना खा लो या बस में चल लो। तो फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मम्मा खिलाते खिलाते लेके जाती थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की ही मेहनत है, अम्मी की दुआएं हैं कि हर चीज़ अचीव करी है। कहीं भी खड़ा होता हूँ तो सब बोलते हैं कि सुमेरा का बेटा खड़ा हुआ है। और जितना शुक्रिया अदा करा जाए अम्मी का, तो मैं ज़िंदगी पूरी लगा दूँ तो मैं उनका एक बाल बाकी के भी हिसाब से मैं उनकी चीज़ पूरी नहीं कर सकता। और खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे सबको, जिनकी वालदाएँ हयात हैं जिनकी हयात नहीं है उनकी अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए, और सबकी माओं का सलामत साया सब पे सलामत रखे। और इमरान भाई को तो मेरी अम्मी ने कहा है कि भाई मेरा बेटा है ये। तो बस सर मैं अम्मी के लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि वर्ड्स नहीं है। एक बात है जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये कि अब जैसे मैं, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, तो जब अब वो इस एज से गुजर रहे हैं कि जब वो थोड़े से मैच्योर होंगे लाइक 10 या 11 साल के होंगे, तो उनको वो याद नहीं रहेगा कि पीछे जो थे हमने जो उनके साथ टाइम गुजारा है और जिस तरह से उनको बड़ा किया है और उनकी हर ख्वाहिश पूरी की है। तो मैं फिर ये सोचता हूँ कि जब मैं छोटा होऊंगा यार, तो मेरे भी पेरेंट्स ने इसी तरह मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात थी जो पूरी कर दी, जो शायद मुझे याद भी ना हो। ये तो मैं जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट बता रहा हूँ, तो सारी उन चीज़ों के बदले में हो रहा है कि जो मुझे याद हैं। ऐसी कितनी सारी चीज़ें होंगी जो मुझे याद भी नहीं है, पता नहीं जब मैं छोटा हूँ तो कितनी बार अम्मी उठी हो, जैसे कि अब घर हमारे घर के अंदर होता है या स्कूल लेके जाना और आना, बच्चों के खाने का टाइम। तो मैं ये सोचता हूँ ये बातें तो हमें याद ही नहीं है, हमें सिर्फ वो बातें याद हैं कि जब हम थोड़े से बाशऊर हुए और हमारे जहन ने जो देखा अम्मी अब्बू को करते हुए, जैसे तुम सब वो वाली बातें कर रहे हो, तो सोचो कि इससे पहले वाली चीज़ों में भी कितनी सारी बातें हैं। इसलिए और भी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल ये दोनों हस्तियाँ हैं पेरेंट्स। फिर से आ रहा कुछ नहीं होगा अब लाइट। गेट योर सेल्फ रेडी फॉर दिस फाइट। खुश रहो पाकिस्तान, कमिंग बैक। सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।